आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और आज कवर करेंगे हम सभी 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास, रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और 10 से 12 मिनट के अंदर जो है दिन भर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो बकवास सीधा क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा देता हूं तथ्य के साथ। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98, ठीक है। और एक बात, चैनल के ऊपर अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी के पास चला जाए और एक भी क्लास आप सभी का जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के द्वारा डिजाइन किए गए उस रोबोट का नाम बताना है जो डॉक्टर और रोगियों के बीच जो है ना वो दूर से संवाद करने के लिए बनाया गया है। और जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वही रोबोट है जिसका नाम क्या दिया गया है? रक्षक, ठीक है। और आप ठीक नीचे में देख पा रहे होंगे यहां पर इंडियन रेलवे का जो है वो लोगो लगाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे कि इंडियन रेलवे के द्वारा एक रोबोट बनाया गया है जो डॉक्टर और रोगियों के बीच जो है ना वो बातचीत को जो है वो ट्रांसलेट बोल सकते हो, संवाद कर सके, तो उस रोबोट का नाम क्या है आप सभी का? रक्षक, याद रखना। अगला प्रश्न हमारे सामने, ट्रांस यूनियन सिविल ने किस बैंक के साथ मिलकर MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए वित्त ज्ञान मंच शुरू किया है? आपको बताना है, जितने भी छोटे उद्योग में जितने भी व्यापारी है ना उनको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए, इसीलिए जो है ट्रांस यूनियन सिविल और किस बैंक के साथ मिलकर जो है एक वित्त ज्ञान मंच शुरू किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो है आपका सिडबी बैंक के साथ मिलकर यह ज्ञान मंच जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है। अब एक बात आपको अलग से ये जानना है कि एमएसएमई का जो मंत्रालय है ना वो किसके पास है? नितिन गडकरी के पास। और एक बात, सिडबी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बन चुका है। तो सिडबी का गठन के ऊपर क्वेश्चन बना है काफी बार, जो कि 2 अप्रैल 1990 को हुआ है। और चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न हमारे सामने, कोरोना कवच नीतियों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने 3 बीमा कंपनियों के साथ जो है वो डील साइन किया है? वो 3 बीमा कंपनी कौन कौन सी है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पहला, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दूसरा, और HDFC इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। इन 3 कंपनी के साथ, 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो कैमरा बैंक ने डील साइन किया है, ताकि लोगों को जो है ना COVID-19 को लेकर वो इंश्योरेंस ले सके। सबसे कम दाम का जो आपका पॉलिसी रखा गया वो 300 का रखा गया है, देख रहे हैं। यानी इस अवसर को कोई भी ढांचे से जाने नहीं देना चाहता है, कुछ भी हो करना है। और एक बात, कैनरा बैंक का सीईओ कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर। और हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, और गठन कब हुआ था? 1906 में। और टैगलाइन क्या है आपका कैनरा बैंक का? तो हम सभी कर सकते हैं एक साथ, टुगेदर वी कैन। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे HP का ग्रेटर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? ग्रेटर इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है HP का? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका केतन पटेल, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो डायरेक्टर बनाया गया है ना वो अर्जित पटेल को बनाया गया है, इसीलिए क्वेश्चन का वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाता है। किसे ग्रेट ईस्टर्न शॉपिंग का अतिरिक्त निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक काबिल बोल सकते हो, बहुत काबिल गवर्नर थे, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पद से। उनको जो है भारत के पूर्व RBI गवर्नर को जो है वो अतिरिक्त निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। कहां का? तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस टीम को फुटबॉल में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित किया गया है, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन है फुटबॉल क्लब में? तो रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो 10 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रोज सुबह 4:30 बजे करवा देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से बहुत फेमस है, नाम क्या है इनका? ली तेंग हुई, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कहां का, जिनका 97 साल की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। यह ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आएगा, वर्तमान में ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या है यह आपको बताना है, और मुद्रा और राजधानी आपको ताइवान का बताना है। यह तीन चीज आपको कमेंट्स कर बताना है, यह आपका आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट, कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, आरडी प्रधान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो कहां के? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे आपका आरडी प्रधान। और अभी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। मुख्यमंत्री पेमा कांडू, और वहां के जो राजधानी है वो क्या है आपका? ईटानगर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? अब आपको जो है ना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन मिलेगा, और ये कौन कर रहा है? उड़ीसा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने किस देश में पावर प्लांट के निर्माण और संचालन के लिए रिलायंस के साथ जो है $200 मिलियन के वित्त पोषण के लिए समझौता किया है? यानी एशियाई विकास बैंक और रिलायंस के साथ जो है $200 मिलियन का जो है वो डील साइन हुआ है, ताकि पावर प्लांट का जो है वो स्थापना हो पाए। किस देश में? बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर आपका सी। और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना, मुद्रा टाका, और राजधानी क्या है? तो वो है आपका ढाका। और एशियाई विकास बैंक के बारे में निरंतर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है आपका? मंडलयोंग, जो फिलीपींस में पड़ता है। गठन आपका 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। और अभी जो एशियाई विकास बैंक के हेड है उनका नाम क्या है? मासाटीसुगु आसाकावा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एमडी और सीईओ बना दिया गया है मोतीलाल ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का, किसको? मोतीलाल ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अग्रवाल। कौन है ये? नवीन अग्रवाल को, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है? निम्नलिखित में से किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस का अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? एस एन राजेश्वरी, ऑप्शन नंबर आपका डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको आप सभी खास कर। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? 37 ऐसे एक्टिव वोल्केनो का खोज किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, किस ग्रह के ऊपर? शुक्र यानी कि वेनस के ऊपर, ऑप्शन नंबर आपका सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना मैं 10 से 12 मिनट के अंदर आपको रोज सुबह में 4:30 बजे करवा देता हूं, ताकि आपको 1-2 घंटे का क्लास देखने का बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 8 अगस्त का क्लास। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक इस वीडियो के ऊपर आप सभी जरूर करिएगा, और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसका सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।